हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन, आप सभी लोगों का डिजिटल आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आज का हमारा जो विषय है, जिस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों की आपसे चर्चा करेंगे, वो विषय है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल इन एमपी। तो आइए, पहला प्रश्न हम आपको बताते हैं। प्रश्न ये है कि किस एक नेशनल मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी मध्य प्रदेश आए? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है खेड़ा सत्याग्रह, विकल्प बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, विकल्प सी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और विकल्प डी है भारत छोड़ो आंदोलन। चार में से एक विकल्प चुनना है आपको। देखिए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर सी सही है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आप जानते हैं गतिविधियों का केंद्र नागपुर था, और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी यहां पर आए थे, और नागपुर से लगा हुआ ही हमारा छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा के निकट हमारा जबलपुर है। तो महात्मा गांधी जी नागपुर से छिंदवाड़ा और फिर जबलपुर आते हैं। जबलपुर में वो 5 मार्च 1921 को आते हैं। यह गांधी जी की पहली बार यात्रा होती है जबलपुर की। इस यात्रा में उनके साथ अली बंधु होते हैं, और जो कस्तूरबा गांधी होती है वो भी इसमें साथ होते हैं। गांधी जी को जबलपुर के जो खजांची भवन है वहां पर वो ठहरते। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या है। दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस एक स्थान पर किचनर मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो आपके सामने उत्तर है विकल्प ए महू, विकल्प बी लश्कर, विकल्प सी नौगांव, और विकल्प डी है रतलाम। तो इसका उत्तर सही होगा क्या, वो हम जानते हैं। इसका उत्तर दूसरे प्रश्न का सही है, नौगांव छावनी। नौगांव छावनी आप जानते हैं कैंटोनमेंट सिटी था, यानी छावनी शहर था, और यहां पर किचनर कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब? 1929 में, और इसकी स्थापना की थी फील्ड मार्शल किचनर के नाम पर की गई थी, और स्थापना करने वाले व्यक्ति थे फील्ड मार्शल बर्ड वुड। इसमें जो खोलने का उद्देश्य था इस कॉलेज को, वो ये था कि जो वीसीओ थे, यानी वाइसराय कमीशन जो ऑफिसर थे, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भोपाल में आर्य समाज की स्थापना किस नाम से की गई थी? विकल्प ए है नौजवान सभा, विकल्प बी है आर्य मित्र, विकल्प सी है हितकारिणी, और विकल्प डी है मित्र सभा। चार में से आपको एक विकल्प को चुनना है। इसका उत्तर सही क्या होगा, वो होगा डी, यानी मित्र सभा। मित्र सभा की स्थापना जो होती है वो भोपाल में होती है। 1819 में ये स्थापना होती है, और इसके प्रमुख नेता उस समय होते हैं मन्नूलाल बिस्वे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। विकल्प तीसरे का विकल्प डी सही है। अब हम विकल्प सॉरी चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न जो हमारा है वो मोतीलाल नेहरू ने मध्य प्रांत के किस एक स्थान को बार बूंदी की संज्ञा दी थी? आपके सामने विकल्प है, विकल्प ए जबलपुर, विकल्प बी कटनी, विकल्प सी सिहोरा, और विकल्प डी है सिवनी। इन चार में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा कटनी, यानी विकल्प बी सही है। आप जानते हैं कि जो कटनी है वहां पर क्या हुआ था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नौजवान सभा के कार्यकर्ता है, उनको उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, और उनको कटनी जेल में रखा गया था। इसी समय क्या होता है, मोतीलाल नेहरू जो है वो आप जा रहे होते हैं मुंबई, कहां से, इलाहाबाद से बंबई की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस समय वो कटनी रुकते हैं, और कटनी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनका भव्य स्वागत करते हैं। इसी समय मोतीलाल नेहरू जो है वो कटनी को बार दोनों की संज्ञा देते। तो इसका उत्तर सही हुआ बी, यानी कटनी। अब आता है पांचवा प्रश्न हमारा चरण पादुका से रिलेटेड है। चरण पादुका जो हत्याकांड हुआ था, उस सभा की जो स्थापना की थी, उस सभा की सॉरी अध्यक्षता की थी, उनमें से ये चार विकल्प दिए हैं कि किसने इसको एक प्रकार से चेयरमैनशिप किया था। वो विकल्प ए है कंचीलाल जैन, विकल्प बी है
राम सहाय तिवारी, विकल्प सी है बाबा मंगलदास और विकल्प डी है अमरनाथ दुबे। तो इन चार में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। देखते हैं विकल्प आपका क्या सही है। आपका जो विकल्प है वो पांचवे का सी सही है, यानी बाबा मंगलदास। बाबा मंगलदास ने चरण पादुका सभा की अध्यक्षता की थी। इस सभा का जो मुख्य विषय था वो मांग को पूर्ण ना होने तक कर ना देना, एक प्रकार से टैक्स विरोधी आंदोलन था जिसकी अध्यक्षता बाबा मंगलदास ने की थी। बाद में आपको मालूम होगा कि बाबा मंगलदास को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभा स्थल पर जो लोग होते हैं उन पर गोली चालन किया जाता है जिसमें कई सारे लोग हताहत होते हैं। इस घटना को मध्य प्रदेश के इतिहास में जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न हमारा है, कांग्रेस कराची का जो अधिवेशन हुआ था उसमें मध्य प्रदेश की ओर से किस व्यक्ति ने भाग लिया था। विकल्प ए है हरी सिंह गौर, विकल्प बी है अवधेश प्रताप सिंह, विकल्प सी है गुलाब सिंह, विकल्प डी है मातंग सिंह। चार में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। देखिए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है अवधेश प्रताप सिंह, यानी विकल्प बी। अवधेश प्रताप सिंह, राजभानु सिंह और लाल यादव सिंह, ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने कराची कांग्रेस अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसमें भाग लिया था। और इसी दौरान ब्रिटिश एजेंट के आदेश पर अवधेश प्रताप सिंह को 11 जुलाई 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये हुआ हमारा छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। सातवां प्रश्न है कि 1926 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस से किस एक व्यक्ति को चुना गया था। विकल्प ए है हरी सिंह गौर, विकल्प बी है द्वारकाप्रसाद मिश्र, विकल्प सी है सेठ गोविंद दास और विकल्प डी है माधव राव सप्रे। सातवें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो विकल्प बी सही है द्वारकाप्रसाद मिश्र। आप जानते हैं द्वारकाप्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक प्रसिद्ध राजनेता है, फ्रीडम फाइटर हैं और पत्रकार हैं। इसके अलावा इनको जब ये 25 वर्ष के थे तब इन्हें 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुना गया था और इनके उस समय कंटेस्टेंट या प्रतिद्वंदी कौन थे, हरी सिंह गौर थे। इनको पराजित उन्होंने किया था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्हें चुना गया। अब आते हैं हम आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां जो प्रश्न है हमारा वो चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड है। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। आपके विकल्प है ए 23 जुलाई 1908, विकल्प बी 23 जुलाई 1907, विकल्प सी 23 जुलाई 1906 और विकल्प डी सही है 23 जुलाई 1905। चारों विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है। तो आपका आंसर सही है आठवें का सी 23 जुलाई 1906। आप जानते हैं कि अलीराजपुर जिले के भावरा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था और भावरा को अब आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी भावरा में हुई थी और आप जानते हैं मध्य प्रदेश में उन्होंने जो ओरछा के निकट सातार नदी है वहां कुटिया बनाकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को गोपनीय तरीके से संचालित किया था। तो ये प्रश्न आपका हुआ आठ। नौवां प्रश्न हमारा जो है वो है कि भोपाल विलीनीकरण का जो आंदोलन था उससे संबंधित एक प्रस्ताव था जिसको हम कहते हैं लश्कर प्रस्ताव। लश्कर प्रस्ताव जो होता है वो कब पारित किया जाता है। विकल्प ए है 1 नवंबर 1948, विकल्प बी है 1 दिसंबर 1948, विकल्प सी है 1 अगस्त 1948 और विकल्प डी है 15 अगस्त 1947। आपको इन चार विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है। विकल्प आपका सही है 9वें का बी उत्तर सही है 1 दिसंबर 1948। भोपाल जो विलीनीकरण आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो किसने किया था, मध्य प्रांत कांग्रेस ने किया था, याद रखिएगा। और इस प्रस्ताव को लश्कर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1 दिसंबर 1948 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव को पेश करने वाले व्यक्ति थे मास्टर लाल सिंह साहब, ये भी आपको याद। तो ये हुआ हमारा प्रश्न। अंतिम प्रश्न जो हमारा है
वो है गांधी जी पहली बार जबलपुर कब आए थी। तो विकल्प ए है 10 जुलाई 1918, विकल्प बी है 10 जून 1919, विकल्प सी है 5 मार्च 1921 और विकल्प डी है 5 मार्च 1922। आपको मालूम होगा कि गांधी जी 1921 में आए थे। आप बाकी 3 विकल्प को एलिमिनेट कर दें तो भी आपका विकल्प सी सही है ना, यानी 5 मार्च 1921। देखिए यहाँ पे सी विकल्प सही है। अब थोड़ा हम लोग जानते हैं, हमने आपको बताया था कि नागपुर अधिवेशन के दौरान गांधी जी नागपुर आते हैं, फिर नागपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से फिर वो जबलपुर आते हैं, और जबलपुर में उनका जो आगमन होता है वो 5 मार्च 1921 को होता है। तो ये मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो संग्राम है उससे संबंधित घटनाओं पर आधारित ये जो 10 प्रश्न थे वो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। इससे संबंधित किसी और आपको जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे YouTube चैनल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसके प्रश्न के उत्तर अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद।